वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डी आई वाई रिपेयर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डी आई वाई रिपेयर्स में। आज हम लोग हेवेल्स कंपनी का 12 वाट का एलईडी पैनल राउंड लाइट बनाने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रिपेयर अ 12 वाट एलईडी पैनल राउंड लाइट ऑफ हेवेल्स कंपनी। You can see it's not working। आप देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खराबी है और कैसे इसे हम लोग बना सकते हैं। So let's open and see what are the problems and how we can repair it। To open we require a screwdriver। इसे खोलने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं कि इसके बाहरी आवरण और ये अंदर के आवरण के बीच में एक हल्का सा गैप है। आप लाइनिंग देख सकते हैं यहाँ पे। यू कैन सी दैट देयर इज अ थिन गैप बिटवीन दिस आउटर कवर एंड दिस इनर कवर। इस गैप में इस स्क्रू ड्राइवर को लगाकर इस गैप को धीरे धीरे बड़ा करें। जेंटली इंक्रीज दिस गैप बाई द स्क्रू ड्राइवर। ऐसा करते समय ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है क्योंकि इसके अंदर का जो लॉक है वो टूट सकता है। डो नॉट अप्लाई टू मच फोर्स एज द इनसाइड लॉक में ब्रेक। Now take out this diffuser and glass plate carefully। अब इस कैबिनेट से ग्लास प्लेट और डिफ्यूजर को सावधानी से निकालें। So ये इसका डिफ्यूजर है। This is the diffuser। और ये ग्लास प्लेट है। This is a glass plate। And this one is a reflector। और ये reflector है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये LED strip लगा हुआ है इसके चारों तरफ। और ये इसका driver circuit है। See that this is the LED strip and this is the LED driver। Now let's check one by one this LED strip and driver circuit with the help of multimeter। अब मल्टीमीटर की मदद से LED strip और इसके driver circuit को check करें। पहले मल्टीमीटर को continuity वाले position पर रखें और एक एक करके एलईडी को चेक करें। नाउ प्लेस द मल्टीमीटर सेलेक्टर स्विच टू कंटिन्यूटी मोड एंड चेक ऑल एलईडी वन बाय वन। All LEDs are good। सभी LED अच्छे हैं। अब आइए इस ड्राइवर सर्किट को चेक करते हैं।
नाउ लेट्स चेक दिस एलईडी ड्राइवर सर्किट। आप देख सकते हैं कि इस ड्राइवर सर्किट में 2 10 ओम 1 वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये फ्यूज के रूप में काम करता है। यू कैन सी दैट दिस एलईडी ड्राइवर सर्किट हैज 2 10 ओम 1 वाट रेजिस्टेंस विच एक्ट्स एज अ फ्यूज एंड 1 MOV और VDR। यू कैन सी दिस वन इज द MOV और VDR कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन सप्लाई। एक MOV या VDR लगा हुआ है जो इस मेंस सप्लाई के पैरेलल लगा हुआ है। इस VDR के कारण हाई वोल्टेज होने पर भी इसका जो मेन सर्किट है वो बचा रहता है। ड्यू टू दिस VDR और MOV द मेन सर्किट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई वोल्टेज। तो 90% केसेस में ये दोनों फ्यूज या VDR ही खराब होते हैं। बाकी 10% में बाकी और भी कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस रेजिस्टेंस और VDR को चेक करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट चेक VDR एंड रेजिस्टेंस। मैंने कंटिन्यूटी पे इसको रखा है। प्लेस द मल्टीमीटर सिलेक्टर स्विच टू कंटिन्यूटी मोड। तो आप देख सकते हैं कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। सो यू कैन सी देयर इज नो कंटिन्यूटी। आइए इस VDR को भी चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक दिस VDR एज वेल। तो VDR कुछ वैल्यू बता रहा है, ये नहीं बताना चाहिए। इसका मतलब ये VDR भी खराब हो गया है। सो यू कैन सी देयर इज सम वैल्यू व्हिच शोस दैट दिस VDR इज बैड। सो वी आर गोइंग टू चेंज दिस टू 10 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस VDR। तो चलिए दोनों रेजिस्टेंस और VDR को बदलते हैं। लेट्स चेक इट। तो चलिए इसको अब चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो आइए इसको पावर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जल रहा है। यू कैन सी इट्स वर्किंग। तो सबसे पहले ये इस रिफ्लेक्टर को लगाइए। First of all, put this reflector, then this glass plate, उसके बाद ये glass plate, और तब जाके ये diffuser, then this diffuser. So before putting this front cover, take care of these notches. One is here, one is here. तो इस आगे वाले कवर को लगाने से पहले ये जो कटा हुआ है इसको ध्यान में रखें। यहाँ पे देखिए एक जगह यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है। आइए इसको फिर से चेक करते हैं। लेट्स चेक इट अगेन। यू कैन सी इट्स वर्किंग परफेक्टली।